पहले मेरे साथ एक बार बोलिए जय श्री राम। यहाँ से आपके लिए एक्सक्लूसिवली शुरू होने जा रही है श्री रामायण यात्रा। डिस्टेंस 7500 किलोमीटर्स और टूर है 17 से 18 दिन का। और ये वाली जर्नी मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में दिखाने जा रहा हूँ। श्री रामायण यात्रा एक ऐसी जर्नी जहाँ आप भगवान राम के सबसे नज़दीक हैं। शुरू करें? नहीं दोस्त, आपको स्टाइल बता दें, कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए, और अगर टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो फिर तो भाई साहब बात ही अलग है। और अगले 15-18 दिन के लिए मैं कहूँगा सब कुछ भूल जाइए, मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज के साथ। मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए, #टैग देखो अपना देश। तक मैंने आपको ट्रेन जर्नीज दिखाई, जैसे कि राजधानी, दुरंतो, तेजस, वंदे भारत और ना जाने कौन कौन सी ट्रेन। बट आज मेरे पास ये मौका है आपको दिखाने का श्री रामायण यात्रा एक्सप्रेस की वर्चुअल जर्नी। इसका मैं आपको बता दूं, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी है 156, बट वर्चुअली देर इज नो लिमिट। जितने लोग ट्रैवल करना चाहें वर्चुअली मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस कंटेंट को जितना हो सके शेयर कीजिए एंड लेट पीपल सी #टैग इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। मेरा एक्साइटमेंट लेवल फाइनली, एक मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, एक सपना पूरा हो रहा है। आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। वीगो है बेस्ट ट्रैवल ऐप। ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी, जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। हाँ, अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग एंड न्यू फीचर्स। इस वाले व्लॉग को पूरा देखिएगा, कोचेस के इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा। कोचेस का बता दूं, 4 फर्स्ट क्लास हैं, इसमें 2 कैटेगरी हैं, बिकॉज AC डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन है, 4 फर्स्ट AC, 2 सेकेंड AC। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकेंड AC में। 2 रेस्टोरेंट हैं, 1 पेंट्री कार है और 2 जनरेटर कार। पीछे अगर आप देखोगे वहाँ पे सब कुछ, अभी पैसेंजर की एंट्री वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। राइट नाउ इट इज़ 5 o'clock, ऑफिशियल डिपार्चर टाइम रामायण एक्सप्रेस का है 7:05। तो अपने पास पूरा टाइम ही टाइम है, वर्चुअली मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। और जैसा मैंने आपको कहा, ये वाली जर्नी मैं आपको पूरी करा रहा हूँ, फ्रॉम दिल्ली टू रामेश्वरम। पूरा व्लॉग देखिएगा, मज़ा आने वाला। जिस कोच में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर किया गया है इन द ईयर 2018 और इसको बनाया गया है बाय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। अब बारी है आपको पूरा सेकेंड AC की पूरा डिटेल बाय डिटेल इंटीरियर देने की, एंड बिकॉज दिस इज़ लग्जरी टूरिस्ट डीलक्स ट्रेन आप कह सकते हो, तो इंटीरियर भी बिल्कुल लाजवाब। दिल की धड़कनों को थाम के बैठिए और मेरे साथ चलिए अंदर। टूर के यहाँ से शुरुआत होने जा रही है, इस तरफ वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको पूरा सेकेंड AC दिखा दूँ। ये देखिए, इस तरफ सेकेंड AC का
यहाँ पर जैसा नॉर्मल ट्रेन में मिलता है। सर एंजॉइंग ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा नॉर्मली मिलता है, बट आप देख लीजिए यहाँ पर आपको ये एडिशनल लॉकर भी दिया गया है सामान वगैरह के लिए सब कुछ। ये सेकंड एसी का देख लीजिए, प्लस यहाँ पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन देख लीजिए, चार्जिंग पॉइंट्स, रीडिंग लाइट्स वगैरह सब कुछ। अगर मैं आपको पूरा इस तरह दिखाऊँ, ये देखिए लॉकर हो गया, प्लस आपको टू मेंटेन क्लीननेस डस्टबिन वगैरह, लगेज जैसा नॉर्मली आपको ट्रेन में मिलता है बिल्कुल वैसा ही है। बट क्लीननेस देखिए नॉर्मली, अभी कोविड में, कोविड की वजह से ट्रेन्स में आपको ये लेने नहीं दिया जा रहा चद्दर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी, बट रामायण यात्रा में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे अब, ये देखिएगा इस तरफ यहाँ पे आपको ये फुट मसाज दिया गया है। बिकॉज इस वाली ट्रेन में क्या है, जो मैंने देखा है अब तक, ज़्यादातर ज़्यादा एल्डर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कम्फर्टेबल। इस तरफ लाइब्रेरी, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई है बुक्स वगैरह, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये नॉर्मली आपको नहीं मिलता है। आप फॉर टाइम पास, फॉर एंटरटेनमेंट लूडो दिया गया है, प्लस कैरम दिया गया है, बुक्स वगैरह आप रीड करना चाहें सब कुछ। ये मैंने आपको दिखाया फर्स्ट हाफ, ये देखिए सेकेंड हाफ इसी सेकेंड एसी का, इस तरह आप देख सकते हो द सेम अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग रिमेंस द सेम। सेकेंड एसी में सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर ये सिटिंग दिया गया है, ये चीज़ आपको फर्स्ट एसी में नहीं मिलेगी। फर्स्ट एसी का टूर मैं आपको बाद में पूरा डिटेल में शो करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे मेरी सीट कौन सी है, तो मैं आपको बता दूँ, लकीली मेरे को मिली है ये वाली सीट, दिस इज़ 29। आप देख सकते हो मैंने पूरा अपना लगेज यहाँ पर रख दिया है, लॉकर देख लीजिए, डस्टबिन देख लीजिए, अभी करंटली तो 30 पे कोई नहीं है, लेट्स सी अगर कोई नहीं आया रामेश्वरम तक तो अपनी हो गई बल्ले बल्ले। सीट नंबर देख लीजिए 29। कैसा लगा टूर, कैसा लगा ज़रा कुछ बताया तो करो, कमेंट करके बताओ तो भाई साहब। इस जर्नी में ना बस आप देखिएगा, पता नहीं मैं कितना एंजॉय करने वाला हूँ, और वर्चुअली आपको पूरा एक्सप्लोर कराएगा, मैं कराएगा आपको जर्नी। इस वाली टूरिस्ट ट्रेन का आपको लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ डीजल WDP4D, लोगों लगा दिया गया है, जनरेटर चालू कर दिए गए हैं, वी आर ऑलमोस्ट ऑल सेट। 7500 किलोमीटर्स की जर्नी है, ना जाने कितनी बार लोको पायलट, गार्ड वगैरह कितनी बार चेंज होंगे, बहुत लंबी जर्नी है। और आपसे इतना ही कह सकता हूँ, अगर आप ये वाली ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हो ना, सारे व्लॉग्स देखिएगा। देखो मेरे को उम्मीद है कम से कम 12 से 15 व्लॉग मैं इस वाली ट्रेन जर्नी पर, रामायण एक्सप्रेस पर बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ वर्चुअली आप जितना हो सकता है एक्सप्लोर करते रहिएगा। लोको पायलट ऑल सेट, ये देख लीजिएगा, ये रहा आपके सामने लोको। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद इसमें दो लोको लगाए जाएंगे, बट करंटली तो एक ही है। जब रामायण एक्सप्रेस की बात आती है और आपको मिस्टर अच्युत सिंह सर से नहीं मिलाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ही इज़ जॉइंट जनरल मैनेजर फॉर टूरिज्म IRCTC। सर रामायण एक्सप्रेस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये जो रामायण एक्सप्रेस है, बेसिकली ये देखो अपना देश डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है, जो कि बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स से लैस है, और ये जा रही है रामायण यात्रा पे, एक अनोखी यात्रा जो IRCTC ने भगवान राम से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ते हुए एक थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन चलाई है, थीम बेस्ड सर्किट पे इस ट्रेन को चला रहे हैं, और भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको 18 दिनों की यात्रा में कवर किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यतः हमारा अयोध्या है, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, पंचवटी, नासिक, चित्रकूट, हम्पी, कृष्णा और रामेश्वरम और भद्राचलम के बाद दिल्ली ये ट्रेन 18वें दिन वापस लौटेगी। ये 18 दिन की अनूठी यात्रा है श्री रामायण यात्रा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वर्चुअली थ्रू IRCTC। अ बिग थैंक्स टू IRCTC। थैंक यू। आप ये जर्नी मेरे साथ वर्चुअली रामायण एक्सप्रेस की एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सर ये वाली जर्नी रामायण एक्सप्रेस लाखों लोगों तक अब पहुँचेगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम श्योर अब आप सोच रहे होगे भैया कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग का आपको बता दूँ, इस रामायण एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास का है 1,02,000 समथिंग, और फिर सेकंड एसी का जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका है कुछ 82,000 समथिंग। बिकॉज मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इन सिंगल ऑक्यूपेंसी, तो मैंने पे किया है कुछ 93,000 समथिंग। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप फ्रॉम IRCTC। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ।
और जो नेक्स्ट ट्रेन है आई गेस वो है फरवरी में, जिसकी बुकिंग्स शायद ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, तो उसके लिए आप IRCTC को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस ट्रेन का राइट नाउ बता दूँ, इस रूट का, इस ट्रिप का टोटल कैपेसिटी जो मैंने आपको बताई 156, बट राइट नाउ जो ऑफिशियल स्टाफ बता रहा है वो बता रहा है ऑन बोर्ड है कुछ 129 पैसेंजर्स। वहाँ देख लीजिए महाराजा एक्सप्रेस। आपसे इतना ही कहूँगा, जिस दिन IRCTC ने अनाउंस कर दिया दैट दिस ट्रेन इज गोइंग, ट्रस्ट मी मैं आपको ऑन बोर्ड मिलेगा। सपना है दोस्त, ये इतना बड़ा सपना है जो अब तक पेंडिंग है, 2 या 3 साल हो गए और कोविड की वजह से तो और प्रॉब्लम हो गई। आप देखो यार, टॉप लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, आई गेस एक टिकट की कॉस्ट कुछ 3 से 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द टूर। बहुत जल्द भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरिः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धः स्वस्ति नः भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वनिष्ठनेमिः स्वस्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। श्यापति राम चंद्र की जय। सुत हनुमान की जय। टाइम देख लीजिए शार्प 7:05 और रामायण एक्सप्रेस स्टेशन्स के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के लिए तैयार है। बिल्कुल शार्ट टाइम ट्रेन डिपार्ट हो रही है। उम्मीद है, बिकॉज इतना लंबा सफ़र है, उम्मीद है इस सफ़र में सब कुछ अच्छा होगा और कोशिश यही है कि आपके सामने बिल्कुल बैक टू बैक व्लॉग्स अपलोड किए जाएं। मेरी पहली इतनी लंबी यात्रा विद इंडियन रेलवेज, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। अब आप देखोगे मैं आया हूँ इस ट्रेन की फर्स्ट क्लास में। अगर आप मुझसे पूछो देर इज़ नॉट मच डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन फर्स्ट क्लास, राजधानी दुरंतो, ऐसा कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। मैंने जानबूझ के सेकेंड AC लिया है बिकॉज वहाँ सिटिंग का ऑप्शन है, वहाँ इट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप ये ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हो, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैं आपको बता दूँ। पहला, फुली वैक्सीनेशन, आई एम फुली वैक्सीनेटेड। दूसरा हो गया आधार कार्ड ओरिजिनल। तीसरा, बिकॉज नेपाल बॉर्डर हम बाय बस क्रॉस करेंगे तो आपके पास वोटर ID ओरिजिनल होना मैंडेटरी है। मैं तीनों डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। आई गेस रेस्टोरेंट कैब में अब डिनर स्टार्ट कर दिया गया है तो वहाँ जा रहा हूँ, डिनर वगैरह वो भी आपको दिखाना है। कोशिश करेंगे अगर मैं आपको पेंट्री कार भी दिखा पाऊँ। अगर आप देखोगे जितने पैसेंजर्स हैं ज़्यादातर सब सीनियर सिटीजन्स। आई गेस इस ट्रेन में राइट नाउ मैं यंगेस्ट पैसेंजर हूँ। क्या करें दोस्तों, आपके लिए करना पड़ता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ये है हमारा पहला ऑफिशियल हॉल्ट, गाज़ियाबाद, स्टेशन कोड GZB। अब जो बता रहे हैं कि यहाँ से शायद रामायणा एक्सप्रेस में एक पैसेंजर बोर्ड करने वाला है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। डिपेंडिंग अपॉन द आइटनरी, जब भी आप ये वाली ट्रेन बोर्ड कर रहे हो प्लीज़ ध्यान रखिए बोर्डिंग स्टेशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह, स्टेशन्स वगैरह वो सब चेंज हो सकते हैं आइटनरी, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। पेंट्री कार में खाना तैयार हो रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा बट सूप सर्व कर दिया गया है और कॉस्टिंग में सब कुछ, फूड वगैरह जो भी आप ऑर्डर करोगे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। भाई साहब, पहली बार टूरिस्ट ट्रेन से स्टेशन पर उतरना, अलग ही फीलिंग है। हमारी डिनर सर्विस 8:30 से 10 बजे तक रहेगी तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचे। धन्यवाद।
ट्रेन के आगे पीछे चक्कर लगा लगा के पूछो मत। और मेरा कोच है एकदम लास्ट A2 में। अब यहाँ पर सूप सर्व किया जा रहा है, एकदम गर्मा गर्म सूप, ब्रेड स्टिक विथ बटर एंड ब्लैक पेपर। आप देखिए यहाँ बैठ के कैसी लग्जरी वाली फीलिंग आती है। और जो हमारा पहला स्टॉप है, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अयोध्या। लाजवाब, हर कोच में CCTV कैमरा प्लस फायर एक्सटिंग्विशर फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई एम डैम श्योर इतने सीनियर सिटीजन्स हैं, 18 दिन क्या ये ट्रैवल कर सकते हैं? मतलब भाई बहुत मेहनत होने वाली है इस टूर में। दिस इज़ ओनली व्लॉग नंबर 1, ट्रैवल करते जाइएगा। अब रामायण एक्सप्रेस ने पकड़ी स्पीड। और जब आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हो तो यहाँ पर क्वालिटी फूड तो बनता है, और चाय कॉफ़ी सूप वगैरह सब कुछ आपको यहाँ रामायण एक्सप्रेस की पेंट्री कार में फ्रेश बनाया जाता है। बिकॉज अब डिनर यहाँ सब्ज़ी वगैरह सब कुछ फ्रेश बनाई गई हैं, और अब वो सर्व किया जा रहा है पैसेंजर्स के लिए रेस्टोरेंट कैब में। तो जल्दी से मैं आपको एक पेंट्री कार का एक टूर और दे दूँ। यहाँ देख लीजिए टी वगैरह सब कुछ, यहाँ फर्स्ट क्लास खाना वगैरह प्रिपेयर किया जाता है। जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा टूर दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा दादा। थैंक यू सो मच। सब फ्रेश सब्ज़ी वगैरह आप सब यही बना रहे हो आपके सामने? फ्रेश गाजर, फ्रेश गाजर गाजर वगैरह कटलेट के लिए सुबह नाश्ते। सुबह नाश्ते के लिए भी आपने तैयारी शुरू कर दी? हाँ, तैयारी शुरू कर दी। अभी का डिनर तैयार हो चुका है। डिनर ऑलरेडी वो तो सर्व किया जा रहा है। थैंक यू सो मच दादा। थोड़ा सा मैं आगे जाके और दिखा दूँ आपको। ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी, ये खिचड़ी है। हाँ हाँ, ये बात जैसे लोग मांग सकते हैं। फर्स्ट क्लास सब देख लीजिए, पूरा पेंट्री कोच का, पूरा पेंट्री कार का आपको एक यहाँ पर टूर दे दिया भाई साहब। ये बात ज़रूर है, रामायण एक्सप्रेस आप बोर्ड कीजिए, सच बता रहा हूँ, एज कम्पेयर टू अदर ट्रेन्स ना, यहाँ फीलिंग बिल्कुल बिल्कुल वाइब अलग है। तो ये है हमारी ऑन बोर्ड मील नंबर 1। बिकॉज हम ट्रेन से उतरेंगे भी तो कभी लंच डिनर होटल में होगा, कभी कहीं होगा, कभी ऑन बोर्ड होगा। राइट नाउ रामायण एक्सप्रेस की ऑपरेटिंग स्पीड 105 किलोमीटर्स पर आवर, और इस ट्रेन को दिया गया है सात्विक सर्टिफिकेशन, यानी कि प्योर वेज एंड फर्स्ट क्लास क्वालिटी फूड, पनीर की सब्ज़ी, कर्ड, दाल, सैलड, सब कुछ जो आप चाहें यहाँ पर, इतने वेरिएशंस अवेलेबल हैं। आराम से ये ट्रेन कुछ लाजवाब। सर अगर मैं स्विच करूं, खाना कैसा है? बढ़िया। खाना अच्छा लग रहा है ना सर, क्वालिटी वाइज वगैरह सब बढ़िया ना? नो प्रॉब्लम। आप सर्विंग स्टाइल देखिए, और जो सर्व कर रहे हैं उनका अटायर देखिए, कपड़े देखिए, अब तक तो एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। वर्चुअली जर्नी में मज़ा आ रहा है ना भाई साहब? ऐसा लगता है सपना पूरा हो गया इस ट्रेन में ऐसे बैठ के, फाइनली एक लग्जरी ट्रेन में। मैं आ चुका हूँ वापस अपनी बर्थ पर। आप देखिए कर्टेंस लगा लीजिए और आपको मिलती है फर्स्ट क्लास प्रिवेसी। अभी भी ऊपर कोई नहीं आया, यहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूज़िक में आप सुनोगे तो राम जी के भजन लगातार चल रहे हैं। रेस्टोरेंट में आप सोचिए डिश वॉशर मशीन तक लगा रखी है। कल का पूरा प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, कल सुबह अयोध्या हम पहुँचेंगे 9:30 बजे, ब्रेकफास्ट वगैरह सब होगा, देखते हैं, मैं सब कुछ आपको दिखाएगा, ठीक है? अब मैं सोने वाला हूँ, देख लो, अब थोड़ा बहुत आराम करेंगे, बैक टू बैक एडिटिंग करनी है, बैक टू बैक आपके लिए व्लॉग्स अपलोड करने हैं। और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिए जितना हो सके, ठीक है ना? फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट।
सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे टू इन रामायण एक्सप्रेस ऑन बोर्ड. पहले करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर. अब आपको बता दूँ, जैसे ही आप बोर्ड करोगे ट्रेन, आपको एक वेलकम किट दी जाती है जिसमें अम्ब्रेला है, प्लस IRCTC की कैप है, मास्क है, प्लस हैंड सैनिटाइज़र भी है. और बिकॉज हम इस वेदर में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर शावर का भी ऑप्शन है, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी आपको चाहिए. सेकेंड AC, फर्स्ट AC दोनों में शावर का ऑप्शन दिया गया है. भाई साहब, रात को क्या नींद आई है. और आप बिलीव करोगे, सुबह 6 बजे से इन्होंने टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी सर्व करना स्टार्ट कर दिया था अपनी सीट पर, बर्थ पर. तो मैंने सुबह पी ग्रीन टी और मज़ा आ गया. आपसे इतना ही कह सकता हूँ, जर्नी क्या फर्स्ट क्लास चल रही है. मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट कैब में. देख लीजिए, अगले मतलब 10-15 मिनट में पेंट्री कार में हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है. 10 मिनट में होपफुली ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो भी आपको पूरा दिखाया जाएगा. बट आपसे यही कहूँगा, रामायण एक्सप्रेस द बेस्ट ट्रेन जर्नी टिल नाउ. जय श्री राम. इन नज़ारों के साथ विंडो सीट और AC रेस्टोरेंट, ये है बिल्कुल शाही अंदाज. और यहाँ अब सर्व किया गया है ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स, आलू के पराठे, जूस हो गया, टोस्ट, ब्रेड बटर, टी, कॉफ़ी, वेज कटलेट्स, बहुत कुछ आप ऑप्शंस आपको दिए गए. डियर इंडियन रेलवेज, डियर IRCTC, ऐसी ट्रेन्स और चलाइए. मैं सब बोर्ड करेगा आपको मैं बता नहीं सकता. सबसे अच्छी बात है यहाँ की, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखिए, एंड दिस इज़ अनलिमिटेड. खाइए जितना खा सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑल फ्रेश. सब पेंट्री कार में बिल्कुल सुबह बनाया गया है. अभी तो देखते जाइएगा, आपके सामने बैक टू बैक ब्लॉग्स, इतनी लॉन्ग जर्नीज हम करेंगे. अयोध्या इन नेक्स्ट 1 आवर शायद हम पहुंचने वाले हैं, वहां उतरेंगे. बाकी सब डिटेल्स आपके सामने आती रहेंगी. देखिए, सब पैसेंजर्स रेस्टोरेंट कैब में आ गए, यहां बैठ के लाजवाब. हमने शुरुआत की थी कल शाम को 7 बजे और अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट. राइट नाउ इट इज़ कुछ 9:25 इन द मॉर्निंग. Day 1 का व्लॉग यहीं एंड होता है. अब इसकी आगे का आपको देखना है व्लॉग नंबर 2. जर्नी में आ गया दोस्त एकदम मज़ा. व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर. इसी तरह हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए. आपके सामने बैक टू बैक रामायण एक्सप्रेस के व्लॉग्स आते रहेंगे. सब पैसेंजर डीबोर्ड करेंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे जो भी प्रोग्राम है अगले व्लॉग में देखिएगा. दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज. भाई साहब मज़ा आएगा इसमें तो. उतरिए, चढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए, मज़ा आएगा. ठीक है, मिलता हूँ आपसे इन पार्ट 2.